ये बहुत अच्छा रिजल्ट है मेरे तिपरा माथा के लोग। जो पार्टी आज से एक महीने पहले ग्राउंड में ही नहीं था कॉन्टेस्ट करने के लिए, उन्होंने इस इलेक्शन में नंबर वन पोजीशन के लिए चैलेंज किया, तृणमूल और सीपीएम को पीछे छोड़ा और आज हम सेकंड पोजीशन में आए हैं। ये इतिहास में पहला बार होगा कि एक आंचलिक पार्टी 20 सीट के बाहर भी कॉन्टेस्ट करता है और रूलिंग पार्टी को बाई इलेक्शन में सेकंड पोजीशन का आकर हमने उनको टक्कर दिया। आपका कर्तव्य है, मेरा YTF, TWF और तिपरा मोथा का, कि आप अपना दिल छोटा मत करो। आज एक महीने में हम लोग सेकंड पोजीशन में आए हैं, 6 महीने के बाद इसी सीट से हम लोग फिर से जीतेंगे, मैं आपको बोल रहा हूँ। और जिन लोगों ने हमें वोट किया, SC हो, बंगालीज हो, मुसलमान हो, हिंदुस्तानी हो, आज हमारा तिपरा मोथा का, YTF का और बुरी बोतल का कर्तव्य बनता है कि उनको प्रोटेक्शन दे। आज अगर हमने इनको प्रोटेक्शन दिया तो 6 महीने बाद जब इलेक्शन फिर से होगा, ये लोग और ज़्यादा तरीके से हमें वोट करेंगे। जो तिपरा मोथा पार्टी, आंचलिक पार्टी 20 सीट से बाहर, कोई हमको समझता था कि हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, इतिहास में पहला बार एक आंचलिक पार्टी, एक बुकुंग बारा पार्टी ने 20 सीट के बाहर फाइट किया, वो भी SC सीट में, और हमने सेकंड पोजीशन लिया है। ये बहुत बड़ा मैसेज है, ये मैसेज को भूलो मत और ये मैसेज को दिल में रखो। 6 महीने बाद ये जो सूरमा का इलेक्शन होगा उसमें हम जीतेंगे, ये मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ। और जो विलेज काउंसिल इलेक्शन था, आज हमें ऑलमोस्ट 12,000 वोट मिला है। अगर हम कॉन्टेस्ट नहीं करते तो ये 12,000 वोट हमें विलेज काउंसिल इलेक्शन में नहीं मिलता। आज ये फाइट करके हमने अपना विलेज काउंसिल का इलेक्शन भी जीतने का एक ऐलान कर दिया है। बेलाइनो हम बाय और आगे बढ़ो, तिपरा दोफा आई क्लॉक थाउं।